My dear friend, you know what? चेयरमैन पीएचई इंपलाइज एसोसिएशन अज का जो सा प्रोग्राम है ये पूरे सूबा जम्मू के चला है। ये SRO 69 SRO 149 के खिलाफ जरा है उसका प्रोग्राम, क्योंकि पीएचई के अद्धी उम्र तो निकली हुई है डेली वेजर की नौकरी आ 40-40 साल लोगों नौकरी करी है, अज उन्हें रिकवरियां पा देने क्योंकि SRO जरा भी बनता वो सरकार बनाती है, सरकार ने वह बेनीफिट दिता है, SRO बनाया सरकार ने लोगों बेनीफिट लिया और कोर्ट ने बेनीफिट दिता। अज कोर्ट फैसला दिया था भी कहने लास्ट पेड लाने पर पेंशन दियो, ये लास्ट कापी कोर्ट के फैसले की कापी हैं, इन फोटो लो लगे फोटो तो कई मजबूर करी था ने, क्योंकि अज कला कला आदमी रिटायर हुआ था वो एक 100 घर परेशानी है, क्योंकि हम सोचना था चल यार रिटायर होगा अपना कुछ घर घर का कोई करना था, कोई ब्याह शादी बच्चे की शादी करनी है या मकान बनाना या कोई और कम होंगे, लेकिन जिस वो जिंदा घर उसी घर आए भी नहीं सामा दे सकते क्योंकि वो लेकर कख नहीं जाता, ग्रेजुएटी ये रुकी आ दे पेंशन मीडियम ला दे, लेकिन अगर SRO गौरमेंट ने बनाए दिन तो कहते वास्ते बनाए दिन फोर्थ क्लास उपर गया गाज जी उपर गिरा दिन, और जो 2021 तक जी है इन्हें सारे बंद पेंशन लाई है, क्योंकि 80% जो लोग पेंशन लगी चुकी है और 20% जो लोग रेह और उनकी रोकी है बेई दिन मैं कहना भाई ज्यौदी है सरकार आई दी है ज्यौदी है दफा टूटे दी है ज्यौदी LG सरकार है ज्यौदी के ज्यादा ब्योता पेदी है लोगों, क्योंकि लोग परेशान हो रहे बिल्कुल परेशान, असं जाके गुजारिश करने LG साहब अगर गुजारिश कर रहे हैं कम से कम इन्हें गरीब लोगों ने सोचो ये फोर्थ क्लास मुलाजम इन्हें को कितनी की पेंशन ला तुम ला दो कि करा दो 12,000 रुपये ने गुजारा थोड़े चलाई सकते, दूसरा मसला है डेली 100% डेली वेजर जो काम करा रहा है उन्हें रेगुलर नहीं करा दे, जिंदे को लोगों जमीन ले दी उन्हें लोगों की कोई नौकरी नहीं कोई कुछ नहीं दिया दें DPC ये नहीं करा दें, और खास कर जो रिटायर लोगों ही परेशान करा दें, कुछ लोग जो नौकरी करा दें उन्हें भी SRO 69 का बेनीफिट ले दिया SRO 149 का ले दिया, लेकिन उनके उपर भी एक गाज गिरा दी है, त्रीए रोज एक्शन साहब लैटर कढ़ाइए बक्की मार दें महाराज इनकी रिकवरी करो इनकी रिकवरी करो, तो अब सरकार अगे आइए गुजारिश करने के ना ये रिकवरी रोकी जा लोगों पूरी पिटिशन लाई जा, नहीं तो जो अगला जो टाइम है जिन्ना भी रिटायर है ये सारा सड़कें उपर आई जाना, क्योंकि उन्हें घर भी नहीं संभालता क्योंकि घर वाले भी आस होती है बच्चे आस होती है सारे आस होती है कि कुछ ले आ तो लेने के बजाय भैन देने पी है तो उन्हें कुछ उन्हें भी नहीं सामना, तो इस वास्ते जिन्ना भी रिटायर आए दिन ये लोग सारे गै सड़कें पर आने से तैयार न, ये सरकार की अस गुजारिश करने कि जल्दी कोला जल्दी जी है पूरी पेंशन लाई जा इन्हें लोगों ने जी ग्रेजुएटियां रोक दी ये सारिया दी जा चाहिए, बकाया लास्ट पेयर ड्रान पर इनकी पेंशन लाओ लिख लिया कर लिया। PHE इंप्लाई एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ अज का जोड़ा सा प्रोग्राम है ये प्रोविंस लेवल पर होवा दा है SRO 69 और 149 के खिलाफ, क्योंकि जड़ा बंदा PHE रिटायर हो घर जाता है उसी पेंशन नहीं लगती, क्योंकि AG ऑफिस ने ऐसा काम रखे दा है एडमिनिस्ट्रेटर जी भी है चाहे वह जम्मू की है चाहे कश्मीर की है चाहे LG की है उन्हें ऐसा काम रखे दा भी कोई भी बंदा PHE का खास करिए रिटायर होंदा तो उसी जी पेंशन है 14,000 और 12,000 रुपया लगती, बड़ी हैरानगी की गल है जड़ा बंदा 60-40 साल सेवा करिए घर जाता इस उम्र च मैं जाइए रिटायर होइए अपने बच्चे ब्यागा मकान बनागा उसी जिसे 12,000 पेंशन लगती उसी घर भी टिकाना नहीं बाहर भी टिकाना नहीं उपरा उसका शरीर भी कमजोर हो जाता होंगे, मैं आखना चाहना जिसे 2018-19 के 370 टुटी अदू जाइए सारे लोगों ही पेंशन बराबर लगी हैं, अज के होया 2022 तीन साल के बीच ही सारी जी लोग 5,000 पेंशन लगती वो 12,000 और 14,000 हो गई, ये अनजस्टिस है ये जरा कोई भी सही तरीका नहीं है, और गाय बगाए रोज ही
ये नहीं मैं आखना चाहना भाई क्या डिवीजन चाहे वह जम्मू है चाहे डिवीजन कठुआ है चाहे सांबा है चाहे अखनूर है सारे डिवीजनों के अफसरशाही इन्नी हावी होती है कि वह गाए बगाए 169 की रिकवरी पाने ही तत्पर होती है। दूई गल ये अफसर का काम हा डीपीसी करना। मैं आखना चाहना जड़े लोग अज तो 30 साल पहले लगे नान ही डीपीसी हुई अज तक वो लोग अगर 750 टर्नकाक लगे तो टर्नकाक होइए चलिए ये जड़े लोग जे हे वो एक्शन बनिए डबल ए हे चीफ इंजीनियर बनिए ये जरा अनजस्टिस इन लोगों पर चला रहा है इन्हें खिलाफ जरा अब पूरा जम्मू प्रोविंस के प्रोग्राम चला रहा है कठुए भी उस घड़ी चो है। जय हिंद जय भारत।